मैं आपको निवेदन करना चाहूँगा, जहाँ तक बने सात्विकी भक्ति को मन छोड़िए, भगवान से बिल्कुल कुछ भी मत मांगिए, अपने आप देगा, इतना देगा आप संभाल नहीं पाएंगे। हमारे पास इतनी योग्यता नहीं है, बुद्धिमानी नहीं है कि हमें क्या मांगना चाहिए क्या नहीं। अर्जुन के पास सात्विकी भक्ति है, बस ये कहा था कि भगवान आप मेरे रथ में बैठ जाइए, रथ की बागडोर संभाल लीजिए। गोविंद ने कहा रथ की बागडोर संभाल के क्या करूँगा, तो अर्जुन ने कहा भगवान इस युद्ध में मुझे पता ही नहीं है कि मुझे किधर चलना है मुझे किधर नहीं चलना, ये तो बस आपको ही निर्णय लेना है कि आप रथ को किधर लेके जाओगे। हे प्रभु, जहाँ मेरी जाने की जरूरत नहीं है मेरा रथ उधर न जाए, और मुझे किधर जाना है उधर मेरा रथ आपको ही लेके चलना है। इसे कहते हैं सात्विकी भक्ति। परमात्मा के चरणों में हमारी यही प्रीति और यही प्रार्थना होनी चाहिए। और अब आइए, अब तीसरी भक्ति है परमात्मा की कृपा की अनुभूति करते हुए। पहली भक्ति सात्विकी, दूसरी राजसी, तीसरी है जिसका नाम है तामसी। मूढ़ात्मानो दिविक्षिप्तः चेतसो दृढनिश्चयम् यदोपदेशम कुर्वाणा भजनम ताम तास्तुते। जो अज्ञानी भजन करते हैं पूजा पाठ करते हैं लेकिन लड़ने में कोई कमी नहीं छोड़ते, ऐसे बहुत लोग हैं, लड़ाई बहुत करते हैं, द्वंद करते हैं, पूजा करेंगे मंदिर जाएंगे लेकिन लड़ाई में पीछे नहीं रहेंगे, पूजा करेंगे भजन करेंगे दूसरों की तरक्की को देख करके भारी परेशान होंगे, ये सब तामसी भक्ति है। भक्ति तो है, तामसी भक्ति है। मंदिर में लड़ लेंगे, तीर्थ में लड़ लेंगे, रिक्शे वाले से लड़ लेंगे, पेड़े वाले दुकान पर खड़े खड़े उसको भी लड़ लेंगे कि हमारे यहाँ तो 240 रुपया किलो आता है और तो 320 रुपया किलो दे रहा है, तो हमें ठग रहा है, गालियाँ भी देख के चल पड़ते हैं, ऐसा बहुत होता है। तो शास्त्रिक देशाश्रत भजनम तामसम मतम वर्णन किया गया, जो भी वह कुछ कर रहे हैं सिर्फ अपने स्वार्थ के ही लिए, उसमें स्वार्थ के अलावा और कुछ दिखाई देता ही नहीं है। तामसपन क्रोध है, क्रोध है, झगड़ा है, कलह है। तो वर्णन किया गया है कि इसको तामसी भक्ति कहते हैं। और मैं निवेदन करूँगा, आप पूजा करती हैं, पति से लड़ती हैं, सास ससुर से लड़ती हैं, घर परिवार में लड़ती हैं, उल्टा पुल्टा कहती हैं, ये तामसी भक्ति है। भक्ति तो है, तामसी भक्ति, और ये तामसी भक्ति बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मंदिर जाएंगे, बिहारी जी जाएंगे, बांकी बिहारी जी जाएंगे, वृंदावन आएंगे, हरिद्वार गंगा जी नहाने के लिए जाएंगे, ये घर में द्वंद मचा हुआ है, घर में झगड़ा है, घर में कलह है। महात्मा सांडिल्य इस लड़ाई वाले भजन को वो तामसी भक्ति कहते हैं। तामस भक्तों में मूढ़ता, हटीलापन, दृढ़ता का अभाव, अपने कार्यों में उद्यम का अभाव, मोह, द्रोह और व्यर्थ की कामनाएं स्वभावतः होती हैं, इसको तामसी भक्ति कहते हैं। अज्ञान होता है पूरा, भजन करते हैं लेकिन उनका ध्यान सीधा संसार में ही होता है, संसार की वस्तुओं में ही होता है। ये मिल जाता तो कितना अच्छा होता, ये मिल जाता तो कितना अच्छा होता, ये मिल जाता तो कितना अच्छा होता, बस उसमें यही होता है, उसमें मांगे होती हैं। मोह बहुत होता है उसमें, पियर से मोह होगा, पति से मोह होगा, पत्नी से मोह होगा, बच्चों से मोह होगा, संसार की वस्तुओं से बहुत मोह होगा। जो भजनानंदी हैं उन्हें संसार की किसी वस्तु से कोई फर्क नहीं पड़ता। और मैं निवेदन करना चाहूँगा कि जब आपका भजन बढ़ता है, बच्चों जब तुम्हारा भजन बढ़ता है, एक तो संसार की मांगें पूरी हो जाती हैं। महात्मा सांडिल्य कहते हैं संसार से फिर आपको कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन अभी संसार से बहुत कुछ चाहिए और मिलता नहीं है तो आप क्रोधित हो जाते हैं, आप झगड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो यह तामसी भक्ति है। तांत्रिक लोगों के पास में ये कुछ ऐसी तंत्र साधनाएं करते हैं, ये चीज़ें उनके पास में, ये तांत्रिक साधना करने वालों के पास ये तामसी प्रवृत्ति चल करके आ जाती है। स्वभाव में, स्वभाव में चिड़चिड़ापन हो जाएगा, आंखों सा है चेहरे पर, बिल्कुल प्रसन्नता की खुशी की रेखाएं दिखाई नहीं देती हैं, रात भर जागते हैं, दिन भर सोते हैं, पूरी रात रात भर जागेंगे और मुंह से बोलेंगे तो ऐसा लगेगा जहर उगल डाला है। हमने भजन करते हुए बहुत देखा है, लेकिन बोलेंगे तो ऐसा लगता है कि करेला भी इतना कड़वा नहीं होगा। तो महात्मा सांडिल्य कहते हैं मूढ़ शब्द यहाँ अज्ञान से लिया गया, कहा उनकी मूढ़ता और उनका हटीलापन, मर जाएंगे लेकिन स्वभाव से परिवर्तित नहीं होंगे, बिल्कुल हटीलापन होगा उनके अंदर। जो तामसी जो भक्ति वाले लोग हैं उनके अंदर हटीलापन होगा,
वो कहते हैं उनके लिए दृढ़ता का अभाव है, वो एक एक पग पर अलग अलग होंगे, कभी इधर कभी उधर, वो निर्णय ही नहीं ले पाएंगे हमें क्या करना है और हमें क्या नहीं करना है। ये तामसी भक्ति का ही प्रतीक है, ये तामसी भक्ति का ये प्रतीक है, वो निर्णय ले ही नहीं पाएंगे कि हमें क्या करना है हमें क्या नहीं करना है। उनके अंदर दृढ़ता का अभाव होता है, एकाग्र चित्तता का अभाव होता है उनके अंदर। फिर का अपने कार्यों में उद्यम का अभाव, कभी तो ये लगेगा कि इतना कर दें इतना कर दें, फिर कहेंगे अरे किसके लिए करना, अरे छोड़िए क्या है, हैं थोड़ी सी तो जिंदगी है किसके लिए करना, अरे छोड़ो कोई मतलब नहीं है। ये तामसी भक्ति का ही ये उसका परिणाम है, जिनकी तामसी भक्ति, एक मिनट में तो इतने दयालु हो जाएंगे कि सबको उठाकर सिर पर रखेंगे, दूसरे क्षण में अरे क्यों करें हम इनके लिए, इन्होंने हमारे लिए क्या किया है, क्यों करें इनके लिए, इन्होंने क्या किया हमारे लिए, तो एक क्षण में तो ऐसा लगता है कि इनसे परमार्थी कोई दूसरा नहीं है, दूसरे क्षणों में उनको बदलने में बिल्कुल देरी नहीं लगती। ये तामसी भक्ति का ही परिणाम है, जो आप भजन करते हैं उसका मिलता है, ऐसा नहीं है आपने भगवान को फूल पत्तियां चढ़ाई जल चढ़ाया 100% मिलता है, लेकिन उसको हमने कैसे स्वीकार किया, उसको हमने कैसे पचाया है, यह बहुत बड़ी बात है। अपने कार्यों के उद्यम में अभाव मोह, ससुराल से ज्यादा प्रेम नहीं होगा तो पियर से होगा, माँ से ज्यादा नहीं होगा तो भाभी से होगा, अपनी भाभी से ज्यादा नहीं होगा तो भतीजों से होगा, लेकिन कहीं न कहीं बिल्कुल मोह होगा। तामसी भक्ति वाला बिना मोह के रह ही नहीं सकता, महात्मा सांडिल्य प्रमाण के साथ ये बात करते हैं। जिनके अंदर तामसी भक्ति है वो कहीं न कहीं वो मोह में जकड़े हुए होंगे, वो मोह के बिना रह ही नहीं सकते। और गोस्वामी जी कहते हैं कि मोह बड़ी व्याधि है, बहुत बड़ी व्याधि है, मोह सकल व्या, सुन लो तुम्हारे मतलब की कथा, खाली माला घुमाने से कसूंगे, मोह सकल व्याधि निकर मूला, मोह सकल व्याधि निकर मूला, उपजहि जीन ते विवेद प्रसूला, मोह सकल व्याधि निकर मूला, जिने ते उपजहि विवेद प्रसूला। दुख के कांटे तो मोह से ही पैदा होते हैं, जिनसे तुम ज्यादा प्रीति कर रहे हो वही तुम्हें ज्यादा दुख देने वाले होंगे, याद रखिएगा। वानप्रस्थ जीवन है, बेटियों के साथ कर्तव्यों को पूरा करते रहिए, बैठकर इनके लिए रोइए मत। ये वृंदावन में रहने वाले बहुत लोग हैं जो परिवार के लोगों को ही उलाना देते हैं, बच्चों कहेंगे तो इतना बड़ा आदमी हो गया है, अपने मम्मी पापा की खैरी ने कुछ हालचाल ही नहीं पूछता, कभी फोन ही नहीं करता, तो तुम फिर बच्चों को छोड़ के ही क्यों आए हैं, जब उनसे ज्यादा फोन फान आप चाहते हैं, तो कभी बेटियों को उलाना देंगे तो इतनी बड़ी हो गई है, है? कभी तो पूछती भी नहीं है कि हम यहाँ कैसे रह रहे हैं, जब इन सबसे तुम्हें हालचाल ही पूछवाना है तो काहे को वृंदावन के लिए आए। मुझे कुछ भाई बहन लोग आके कहते हैं मम्मी पापा वृंदावन रहते हैं, नाक में दम कर रखा है, दो भी दिन फोन ना करें तो कहेंगे तुम इतने बड़े हो गए हो कि फोन भी नहीं करते और हमारे पास इतने काम है, तो फिर आप छोड़ के क्यों आए हैं, आप क्यों वृंदावन रह रहे हैं, जब इनसे फोन फान सब समाचार। ये सीधी सी बात महात्मा सांडिल्य कहते हैं कि हमारे पास तीन में से कौन सी भक्ति है ये पता लग जाएगा। भजन करने पर आपको कुछ नहीं चाहिए, सात्विक भक्ति है, भजन करने पर आपको कुछ चाहिए, राजसी भक्ति है, भजन करने पर भी परिवार के लिए अभी मोटे मोटी आंख में अभी तुम्हारे में आंसू हैं, समझ लो ये तामसी भक्ति है, ये अभी बहुत दूरी है ईश्वर के पास जाने के लिए, अभी संसार के खचाखच कीचड़ में बिल्कुल गड़े हुए हैं, अभी तो लड़का बच्चा सब पूरी दुनियादारी आपके हृदय में बैठी है, डुकरिया पोपली हो गई है बिल्कुल, दांत गिर गए हैं, दादाजी के दांत भी गिर गए हैं, लेकिन अभी भी उनका मन करता है जवान ना खा पाए वो हमें खाने को मिल जाए, जवान ना पहन पाए वो हमें पहनने को मिल जाए, अभी भौतिक इच्छाएं पूरी नहीं हुई। इस श्लोक में यही वो कहते हैं, मूड माग्रह बादशाह दार्ढ कार्यस्व उद्यमम मोहो द्रोहो व्रथई वे हां तामसानम स्वभावत। वर्णन किया गया कि इसमें भजन हम करते हैं यदि कोई हमारी ना सुने तो उनसे लड़ने को भी तैयार है, उनको गालियां भी देने के लिए तैयार है, उनको उल्टा पुल्टा कहने को भी तैयार है। ये लाल मिर्च भी इतनी कड़वी नहीं है, इतनी वेदना देने वाली वो भी नहीं है जितना कि ये भजन करते हैं
लेकिन उगलते हैं तो पूरा विश्व ही उगलते हैं। ये भजन तो उनके पास में है लेकिन प्रवृत्ति उनकी तामसी है। भजन के द्वारा तो स्वभाव बर्फ से भी ज्यादा ठंडा हो जाता है। हमारा भजन बढ़ रहा है कि नहीं, सबसे पहले तो भजन का प्रभाव स्वभाव के ही ऊपर पड़ता है। लेकिन बहुत लोग 20-20 माला रोज जपते हैं लेकिन उनके स्वभाव पर कोई असर नहीं होता, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि प्रवृत्ति तामसी है। इसे तामसी है, माला छूट जाएगी लेकिन भोजन नहीं छूटेगा। कल रात को भी मैं निवेदन कर रहा था कि एक पंगत में पेट न भरे तो दूसरी में बैठेंगे, तीसरी में बैठे। उनका तो जीवन ही खाने के लिए, खिलाने के लिए नहीं है, उनका जीवन खाने के लिए है। बस वो भजन तो ये सुन लिया है कथाओं में कि भजन नहीं करोगे तो दुर्गति हो जाएगी, लेकिन भजन तो वो है जिसमें संसार से प्रीति हो जाती है, मोह नहीं होता। अपने और परायेपन का तो भाव ही समाप्त तो हो जाता है। सांडल्य संहिता बड़ा अद्भुत 56 अध्याय का इतना बढ़िया ग्रंथ है कि इसके ऊपर 56 दिन बोला जाए तो भी बात पूरी नहीं होगी। ये बात मैं पहली बार बोल रहा हूँ। मोहो द्रोहो वृथै वेहा ताममानम स्वभावता, क्या बताया गया है, द्रोह और व्यर्थ की कामनाएं स्वभाव में बस जाती है। जिस प्रकार से झूठी पत्तलें आप घर में नहीं रख सकते, उनको बाहर फेंकना ही जरूरी है, उसी प्रकार से जो व्यर्थ की चीजें हैं उनको अपने हृदय के मंदिर में बिल्कुल भी मत रखिए। मंदिर को कितना साफ सुथरा रखते हैं, एक एक चीज को वहां रखते हैं। मंदिर में मोर पंख बहुत ज्यादा लाभदायक होता है, प्रभावशाली होता है। मोर पंख संयमता का प्रतीक है। मंदिर में जैसे मोर पंख रखना जरूरी है, उसी प्रकार से हृदय में संयम का मोर पंख रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। भड़काव इंद्रियों का निग्रह कीजिए, इसको अपने कंट्रोल में कीजिए, इसको अपने कंट्रोल पावर में इसको इंद्रियों को अपने बस में कीजिए। जीव को, आंखों को, वाणी को जरूर, ये पूरे लड़ाई झगड़े ये वाणी ही तो करवाती। मधुर मधुर भाषी बन जाओ, मीठा बोलिए, और इसका ये स्वभाव बिल्कुल बनाइए। कम बोलिए, थोड़ा बोलिए, जब भी बोले मधुर बोले, जी कह के बोले, अच्छी भावना के साथ में बोले। आपका हर शब्द मंत्र बन जाए, आपका हर शब्द स्तुति बन जाए, ऐसे बोलने की कोशिश कीजिए। तामस भक्तों में मूढ़ता आ जाती है, हटीलापन आ जाता है, दृढ़ता का अभाव आ जाता है। वो कहते हैं ये सब हमें छोड़ देंगे फिर हमारा क्या होगा, इसको कहते हैं दृढ़ता का अभाव। पति छोड़ देगा, पत्नी छोड़ देगी, बच्चे छोड़ देंगे, परिवार छोड़ देगा, पियर वाले छोड़ देंगे, अड़ोसी पड़ोसी छोड़ देंगे, फिर हम कहाँ जाएंगे। उनके अंदर यह ज्ञान ऐसा भरा हुआ है। महात्मा सांडल्य कहते हैं ये तामस जो भक्त हैं जिन्हें ईश्वर के ऊपर भरोसा ही नहीं है, एक मिनट में तो भगवान को बहुत मानते हैं, दूसरे मिनट में उनके यहाँ भगवान भगवान कुछ है ही नहीं। ये तामस भक्तों की यह पहचान है, वो दृढ़ नहीं है, वो भविष्य की चिंताएं करते हैं। और गीता कहती है भविष्य की चिंता मत करो, वर्तमान का मोह मत करो, पीछे निकल गया है उसका पछतावा मत करो, यही श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान। बहुत लोग पीछे, जिन बहनों को अच्छा घर नहीं मिलता वो कहती हैं माँ मर गई, भाई मर गया, बाप मर गया, ये ऐसा कर दिया, फौज में डाल दिया, यहाँ डाल दिया, कमाऊ आदमी नहीं मिला, ये नहीं मिला, और पता नहीं क्या क्या। उनकी पूरी की पूरी वो मैया पुराण की कथा चलती है उसकी, मुझे बोलती है ना, अभी मैं इधर था कांकी, हाँ ग्वालियर की ही तो बात है, 5 ही मिनट के लिए तो बैठा था मैं एक पर्सी पर, मुझे आगे जाना था, तो एक 5 मिनट में तो एक बहन ने अपनी पूरी अलम पट्टी सुना दी पूरी। बताएं क्या बताएं, मैया ने बुआ के कहने से ऐसे घर में पटक दिया है, आफत है, क्या करूं मैं, कभी तो लगता है ये कर लूं वो कर लूं और पता नहीं क्या। और हाथ में तांबे का लोटा लगा हुआ था, महादेव पर बेलपत्र चढ़ा करके आई थी, बेलपत्र खूब चढ़ाते हैं, पानी खूब चढ़ाते हैं, जल चढ़ाते हैं, घंटों घंटों पूजा में बैठे रहते हैं, लेकिन दृढ़ता नहीं है, भगवान के ऊपर विश्वास नहीं है, ये तामसी भक्त। भगवान का भजनानंदी जो व्यक्ति है वो दृढ़ हो जाता है। प्रहलाद जी में दृढ़ता ही तो थी, उनको पता था मैं मरूंगा नहीं, पिताजी चाहे जितना जोर लगा ले मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, वो दृढ़ता है। अर्जुन के पास दृढ़ता थी, इन लोगों के पास, मीरा के पास दृढ़ता थी। भजन में जब सात्विकी भक्ति चल करके आती है तो व्यक्ति निर्भय हो जाता है, निडर हो जाता है, उसमें दृढ़ता चल के आ जाती है, उसको लगता है कि मेरा कभी पतन हो ही नहीं सकता, हम भगवान के बन गए, मेरा कभी बुरा हो ही नहीं सकता, हमारा बुढ़ापा बिगड़ ही नहीं सकता, हमारी मृत्यु बिगड़ ही नहीं सकती, और हमारी मौत ही बिगड़ गई तो फिर भगवान का बन करके हुआ ही क्या, यदि मौत ही बिगड़ी। महात्मा सांडल्य का एक एक सूत्र बड़ा अद्भुत है, और ये कथा आपको निडर कर देगी, बिल्कुल निर्भीक कर देगी।